ऐसे ही आपको आपके शरीर के किसी हिस्से में अनवांटेड ग्रोथ का पता चले, अनवांटेड ग्रोथ माने जो आप नहीं चाहते और वो हो गई, रसौली हो गई, गांठ हो गई, तो इमीडिएट आप कॉशियस हो जाएंगे। हालांकि दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूं कि सभी गांठ और सभी रसौली कैंसर नहीं होती है, 2-3% ही गांठ ऐसी है जो कैंसर में कन्वर्ट होती है, लेकिन आपको चिंता तो माने कॉशियस होना तो पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करें, माताओं को सबसे अच्छा तरीका है कहीं भी रसौली हो गई, गांठ हो गई, इसको जल्दी से जल्दी गलाना, इसको जल्दी से जल्दी घोल देना, तो इसकी दुनिया में सबसे अच्छी दवा है चूना। शरीर के किसी भी अंग में गांठ हो जाए, रसौली हो जाए, ट्यूमर हो जाए, जो नॉन कैंसरस है, बाद में वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, इसकी सबसे अच्छी दवा है चूना। चूना वही जो पान में खाया जाता है, चूना वही जो पुताई में इस्तेमाल किया जाता है। पान वाले की दुकान से चूना ले आइए, अभी तो पैकेट में मिलना शुरू हो गया है, उस चूने को कनक के दाने के बराबर रोज खाइए। अब खाएंगे कैसे, सीधे जीभ पे लगाएंगे तो जीभ फट जाएगी, तो उसको खाने का तरीका पानी में घोल के पानी पी लीजिए, दही में घोल के दही पी लीजिए, लस्सी में घोल के लस्सी पी लीजिए, दाल में डाल के दाल खा लीजिए, सब्जी में डाल के सब्जी खा लीजिए, कहीं भी शरीर में गांठ है तो। एक हो गई जी गल, जो पता लग गया गांठ हो गई, आम तौर पर जो मेरे निगाह है, क्योंकि मैं इसे कैंसर पेशेंट मैं 4 साल चलिया है जी, जो भी माताओं को पेट में रसौली हो जाएगी उनकी मेंसेस साइकिल पूरी तरह से बिगड़ जाएगी, उससे पता चलेगा, खून बहुत ज्यादा आएगा, और 28-30 दिन में मेंसेस आना चाहिए, वो 15 दिन में ही आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, 12 दिन में आ जाएगा, 14 दिन में आ जाएगा, और हो सकता है कि वो 1 हफ्ते चले, 10 दिन चले, 15 दिन चले, ब्लीडिंग बहुत होगा, थकान बहुत आएगी, शरीर में कमजोरी बहुत हो जाएगी, तो उससे तुरंत भाप लीजिए कि रसौली हो रही है या हो चुकी है। बाद में कंफर्म करना है तो सोनोग्राफी करा लीजिए। चूना लगातार कितना चल रहा है? चूना वही 3 महीने खा के 15 दिन ब्रेक करके फिर 3 महीने है जी, 3 महीने खा के थोड़े दिन छोड़ना ही है, नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा वो भी जान लीजिए। हाँ बहुत अच्छा, अगर गांठ नहीं है तो भी खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी खुद ही बताने जा रहा हूँ कि वो क्या क्या करेगा, लेकिन अभी बात चल रही है माताओं को, बहनों को, कहीं भी गांठ हो जाए, वो गर्भाशय में हो सकती है, शरीर के बाहर कहीं भी, बाहर की गांठ तुरंत पता चल जाएगी, आप शुरू कर सकते हैं। अंदर की गांठ पता करने का एक ही सरल उपाय है कि उनके मासिक की जो गड़बड़ी है वो नोट करिए, या तो बहुत खून जा रहा है, या तो उनको हर 10-15 दिन पे मेंसी शुरू हो रहा है, और या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है इसका उल्टा, 2-3 महीने लगातार मासिक ही नहीं आएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो वो भी एक संभावना हो जाती है रसौली होने की, गांठ होने की। और एक आखिरी है कि अगर माँ शादीशुदा है, उसके पति के साथ उसका संपर्क है, तो संपर्क के समय बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, तो मान लीजिए कन्फर्म है कि वो गांठ हो गई, तो इन 4 कंडीशंस को पता करके आप बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं कि आपको चूना की जरूरत आ गई। ये चूना सबसे अच्छी दवा है, सबसे सस्ती दवा है, साइड इफेक्ट इसके बहुत कम है, बिल्कुल मिनिमम है, और दुनिया की सब दवाएं इसी चूने से बनती हैं जो रसौली को गलाती है। होम्योपैथी में रसौली को गलाने की कई दवाएं हैं, उनके नाम है, कैल्केरिया फॉस है, कैल्केरिया कार्ब है, कैल्केरिया फ्लोर है, कैल्केरिया आयोड है, कैल्केरिया आर्स है, ये सब चूने से बने, तो वो सब बताऊं उससे अच्छा मैंने आपको माँ बता दी जिससे ये सब दवाएं बनती है, चूना ही है वो। तो चूना आपको खाना है, खिलाना है, कितना खाना है, एक बार में 1 डोज कनक के दाने के बराबर, दही में घोल के, पानी में घोल के, लस्सी में घोल के, दाल में घोल के, सब्जी में घोल के, चावल में डाल के, खिचड़ी में डाल के, एक चीज छोड़कर किसी में भी घोलिए, दूध, दूध छोड़कर किसी में भी मिला के चूना खा लीजिए। अब ये तो हुआ रसौली, अब जिनको रसौली नहीं है आपने कहा वो भी खा लें, तो क्या क्या करता है ये चूना, ध्यान दे दीजिए।
इससे बढ़िया दवा शायद भगवान ने नहीं बनाई कोई। मैंने इसका 12 साल बहुत अनुभव किया है। इस चूने से ऐसे ऐसे बीमारी ठीक होते हैं कि आप हैरान हो जाएं। ये चूना बहुत अच्छे तरीके से ठीक करता है जॉन्डिस को, पीलिया जिसको आप कहते हैं, हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस आपको मालूम है 5 तरह का है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी और ई। 5 तरह के हेपेटाइटिस को बेस्ट मेडिसिन है ये चूना। कैसे खाना है? हेपेटाइटिस के पेशेंट को ये चूना खिलाया जाता है ईख के रस में, गन्ने के रस में। गन्ने का रस नहीं मिले तो मौसम्बी के रस में, मौसम्बी का नहीं मिले तो संतरे के रस में, संतरे का नहीं मिले तो अंगूर के रस में। ऐसे रस में मिलाकर जॉन्डिस के पेशेंट को आप दे सकते हैं लगातार 15-20 दिन, अधिक से अधिक 3 महीने, बिल्कुल जड़ से ठीक कर देता है। इसी चूने है सर, मैंने देखा है कि केले के बीच में रखे भी चूना खिलाया जाता है जॉन्डिस के पेशेंट को, दे सकते हैं। होते 2 खुराकें खाने से ये ठीक हो जाता है। हाँ, वो केला ठीक नहीं, वो चूना ठीक करता है। चूना दे सकते हैं, लेकिन केले के बीच में रख के खाना अगर संभव है, माने उसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है कि केले की कटिंग इस तरह से हो कि वो बीच में फिक्स हो जाए और वो केला बीच वाला हिस्सा जीभ पर ना लगे, सीधे आगे अंदर उतर जाए। जीभ पर लगा तो फाड़ देगा वहीं से जीभ, फिर वो शिकायत करेगा पेशेंट कि आपने तो मेरी जीभ फड़वा दी। तो उससे ज्यादा सुरक्षित है पानी, उससे ज्यादा सुरक्षित है जूस, उससे ज्यादा सुरक्षित है दाल वगैरह वगैरह। तो आप जॉन्डिस पेशेंट का ध्यान रखिए, जूस में देना है उसको। और यही चूना जूस में मिलाकर और एक पेशेंट को देते हैं जिनको नपुंसकता की बीमारी है, हम लोग अंग्रेजी में उसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी। पुरुषों में क्या है, वीर्य में शुक्राणु कम है, स्पर्म काउंट कम है, और माताओं में ओव्यूलेशन नहीं है टाइम पर, तो चांस नहीं है माता पिता बनने का, तो उनको भी हम ये चूना देते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। वही तरीका है बता दिया, 3 महीने देखे, 10-15 दिन ब्रेक करके फिर दी। और इस चूने को हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों के लिए जिनकी हाइट नहीं बढ़ती, जिनको हमेशा आप महसूस करते हैं कि ये बोने हैं, नाटे हैं, इनकी हाइट नहीं बढ़ रही, उनको भी यही चूना दिया जाता है। कितने भी साल का, 1 साल 2 साल 3 साल, आपको लग रहा है कि हाइट नहीं बढ़ रही, ग्रोथ नहीं हो रही, आप देना शुरू कर दें जी, एक ही बार। ये चूना 21 साल के उम्र के नीचे के बच्चों को जब दिया जाता है तो भरपूर हाइट बढ़ा देता है, लड़कियों की भी लड़कों की। इसी चूना को हम इस्तेमाल करते हैं उन सब बहनों और बेटियों के लिए, ऐसे मेरे पास बहुत पेशेंट हैं, ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं, बहनें हैं, जिनका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ और हार्मोनल साइकिल उनका व्यवस्थित नहीं है, उनको भी हम ये चूना देते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट लगा। इसी चूने को और हम इस्तेमाल करते हैं उन सब के लिए जिनको जॉइंट्स पेन है, घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, कंधे का दर्द है, फिंगर जॉइंट्स का पेन है, कहीं भी जॉइंट्स पेन में इस्तेमाल करते हैं, जिसको बात का दर्द आप कहते हैं। इसी चूने को और हम इस्तेमाल करते हैं उन सब लोगों के लिए जिनकी आंखों की रोशनी कम है, अरे बता दिया, पानी में ले लो, दही में ले लो, लस्सी में ले लो, दाल में ले लो, दूध छोड़कर किसी, हाँ, कमर दर्द, घुटने का दर्द, और कमर दर्द घुटने के दर्द के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड के जितने भी कॉम्प्लिकेशंस है, हाँ, बेस्ट मेडिसिन है ऑस्टियोपोरोसिस का, हड्डियां कमजोर हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस उसी को कहते हैं, चूना उसका बेस्ट मेडिसिन, बैक पेन में बेस्ट मेडिसिन चूना, चूना एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी फंगल, 1-7-5। एक जो गठिये वाले होते हैं जो ऑपरेटेड, जिनका ट्रिपल प्लस आ गया, उनको भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं उनके लिए, कोई और दवा। और चूना किस किस काम में ले सकते हैं वो भी लिखिए जी, छोड़ दीजिए ना, जो कन्विंस नहीं होते उनको कहिए कि जाइए एम्स में, जाइए बंबई, जाइए दिल्ली, कनाडा, अमेरिका, दुनिया का पढ़िए उनके। ये तो मैं बता रहा हूँ उन गरीबों के लिए जो किसी के पास नहीं जा सकते। आप पैसे वालों को दिमाग खराब ही मत करिए अपना,
वो कन्विंस कभी नहीं होंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि फीस जितनी बड़ी डॉक्टर उतना अच्छा, दवा जितनी महंगी ट्रीटमेंट उतना अच्छा। तो उनके साथ अपना समय क्यों खराब करती हैं आप, करिए ही मत उनके साथ ना। आपको तो मैं बता रहा हूँ कि गरीब गरीब लोग, जो साधारण लोग, पैसे ही नहीं है, कुछ खा नहीं सकते दवा, उनके लिए ये सब। और इस चूल्हे से क्या क्या कर सकते हैं आप, वो सब माताएं, वो सब बहनें, वो सब बेटियां जिनके बाल बहुत झड़ते, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस चूने का कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब माताएं जिनकी उम्र 45-50 साल के आसपास आ गई है और उनका मेनोपॉज पीरियड शुरू हो रहा है, मेंसेस साइकिल बंद हो रहा है, मेनोपॉज शुरू हो रहा है, उन सब के लिए ये बेस्ट मेडिसिन। और इस चूने को कहां कहां इस्तेमाल करते हैं, अगर शरीर में चुस्ती फुर्ती नहीं है, हमेशा आलस्य रहता है, हर समय दिल करता लेटे रहो बैठे रहो कुछ मत करो, उसकी भी यही मेडिसिन है चूना। ऐसी गुलकंद वगैरह जो बनता है मीठा पान, चूने का लगा के रोज खाइए, आप एकदम दुरुस्त रहेंगे, दांत अच्छे रहेंगे, चमकते रहेंगे, कभी पीले नहीं पड़ेंगे, कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे, दांत में कभी दर्द नहीं होगा, ठंडा पानी ठंडा नहीं लगेगा, गर्म गर्म नहीं लगेगा, ये ठंडा गर्म का सारा चक्कर भी चूने से ही ठीक होता है, दांत की सब बीमारियों में चूना ही काम आता है। अगर कोई ये कहने लगा है कि मेरे दांत में कीड़ा लग रहा है तो समझ लो कैल्शियम बहुत कम हो रहा है, तो भी चूना ही खाना पड़ेगा। तो ये चूना आपको सब तरफ से इस्तेमाल करके देखना, बचपन से लेके बड़े तक है जी, गुनगुना रहेगा तो जल्दी भूलेगा। हाँ बस अब इसी में आ रहा हूं मैं कि अगर आपने मेरे बताए अनुसार ध्यान नहीं दिया, मैं बोल रहा हूं बार बार कनक के दाने के बराबर, अगर आपको ऐसा लगा क्या फर्क पड़ता दो कनक के दाने के बराबर लो तीन कनक के दाने के, तब बहुत जल्दी आपको स्टोन बन जाएगा और आपको किडनी को या तो लीवर को तकलीफ कर देगा, गॉल ब्लैडर को भी तकलीफ है। हाँ एक तो आप ध्यान रखना है कि ज्यादा नहीं खाना है, दूसरा ये ध्यान रखना है कि जिनको पहले से स्टोन है, माने इसका मतलब है कि उनके शरीर में जरूरत से ज्यादा चूना है, स्टोन होने का एक ही मतलब है आपके शरीर में कैल्शियम है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा वो एक अलग बात है, इसलिए स्टोन फॉर्म हुआ, तो वो कभी भी चूना नहीं खा सकते जिनको स्टोन फॉर्मेशन स्टोन है, और बार बार स्टोन होने की जिनको टेंडेंसी है वो भी नहीं खा सकते। पहचान की है स्टोन बनने की, पहचान क्या है, आपके पेट में दर्द होगा, जहां किडनी होती है ना वहां बहुत तेज दर्द होगा, और दर्द के बाद अगर आप सोनोग्राफी कराएंगे अल्ट्रासाउंड कराएंगे उसमें तुरंत डिटेक्ट हो जाएगा। तो स्टोन बनने की टेंडेंसी है तो मत खाइए, स्टोन है तो मत खाइए। और एक कंडीशन है, बॉडी में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, जो थोड़ी देर पहले आपने पीछे से कहा कि हड्डियों के आसपास बहुत कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है और एकदम सूज जाता है, हाथ को हिला भी नहीं सकते, वो कंडीशन तब भी नहीं खा सकते। तो ये तीन कंडीशंस को ध्यान में रखना, कैल्सिफिकेशन हो गया तो नहीं खा सकते, स्टोन फॉर्मेशन है और टेंडेंसी है तो भी नहीं खा सकते, और ज्यादा तो नहीं ही खा सकते, कनक के दाने से कम ही खाएं तो अच्छा है, ज्यादा खाने की कोशिश कभी ना करें क्योंकि ये उतना ही पर्याप्त है एक दिन के लिए।